hồi nãy. Ôi, ôi. ओ महेंद्र भाव, ये क्या कर क्या रहे हैं? डोको बिकट ठीक है ना? अपने आप को प्यार कर रहे हैं महेंद्र भाव, हर इंसान को करना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं भी करता हूँ। हाँ, और फिर ऐसे वाहियत गाने लिखता है जिसे सुन के मेरा आत्मविश्वास हिल जाता है कि तुम मेरा बेटा है कि क्या। क्या अन्ना भाई, फिर से एक कलाकार जी को डांटने लगे आप। चंद्रमुखी के सामने तो तारीफ करते हैं। नहीं मामा, एक मिनट, महेंद्र भाऊ आप तो तभी थे भी नहीं यहाँ पे, तो आपको कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? अब प्रभाकर ने बताया मुझे, है ना प्रभाकर? मैंने कब? ओ, देखो तुम बोले। वाह प्रभाकर दादा वाह, अन्ना से छुप के, हम सबसे छुप के अन्ना के दुश्मनों से फोन पे बात करते हो? तो आप लोग प्यार से बात कर लो इस बिचारे के साथ कभी। कितने प्यारे गाने लिखता है प्रभाकर, लेकिन आप लोगों को तो कदर है ही नहीं। ओ मान गीतकार हो जाए एक दो। जीवन तो है कूड़े का ढेर, भिन भिन मक्खी भिन भिन मक्खी भिन भिन मक्खी। क्या बात है। जीवन तो है प्रभाकर का चेहरा, हर दिन दुखी हर दिन दुखी हर दिन दुखी। तो कूड़े का ढेर, प्रभाकर का चेहरा एक हुए। वाह। मिट्टी का शेर, चौकीदार का पहरा एक हुए। वाह वाह। ये देखो स्वतः को कूड़े का ढेर बोलता है और फिर भी खुश होता है। दूध क्या? मेरा पुण्य। मोहनलाल जी कैसे, क्या सब बरोबर? मोदक आप प्रतिम लगे मोदक। लप्पा सबको पसंद आए ना बहुत? धन्यवाद धन्यवाद। अभी 200 किलो नहीं नहीं, अभी क्या है ना, वो गणेशोत्सव है ना, तो हम लोग जरा अच्छा मेरे विश्वास पे वचन दे दिया है क्या? चलो ठीक है, तो फिर आपका वचन मेरा वचन, हम लोग पूरा करते हैं ऑर्डर। अभी धन्यवाद, अभी क्या करेंगे? 200 किलो मोदक का ऑर्डर मिला है, लेकिन चंद्रमुखी गांव जा रही है ना, वो बेचारी सुलक्षणा अकेली क्या मदद करेगी गायत्री की? तो मैं काम करता हूँ, मैं चंद्रमुखी को विनती करता हूँ कि गांव बाद में चली जाए, मेरी बात मानेगी चंद्रमुखी। अरे बापरे, अन्ना भाई को दिए हुए नंबर वाला फोन तो मेरी जेब में ही है। अन्ना भाई ने फोन लगाया और यहाँ मेरी जेब में बजा तो उन्हें शक हो जाएगा। क्या वो जरा काम में होगी? ऐसा फ्री बैठी है क्या हम लोग के लिए? भाग महेंद्र भाग, और दो चार बार ऐसे ही हुआ तो अन्ना भाई समझ जाएंगे कि ये कोई संयोग नहीं है। जल्दी निकल महेंद्र। अरे महेंद्र भाई, आपको हेलो। अरे अब तो आदमी है, चंद्रमुखी है क्या? चंद्रमुखी? अच्छा फोन क्यों काट दिया आपने? फोन क्यों काटा? हिम्मत है तो फोन उठाओ। तूने मेरा फोन क्यों उठाया बे? सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन आपके फोन पे कोई चंद्रमुखी को पूछ रहा था। वो कैसे?
अरे भाई वो ऐसे कि चंद्रमुखी बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, तो मैंने उसकी सिफारिश की थी, उसी का फोन आया होगा। क्या हूँ बे, तू है कौन मुझसे सवाल पूछने वाला? चल निकल दुकान पे। हाय, चुड़ैल मस्त डर लग रहा है। अमल भाग, भाग ना। क्या हो गया? ठीक तो है? ये क्या कर दिया महेंद्र? ब्लाउज उल्टा कैसे पहन लिया तूने? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुझसे? अब कैसे संभालूं? अरे पहले इसे तो संभाल। थैंक यू सो मच रक्षना, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं ये ऑर्डर पूरा कर ही नहीं पाती। तो इसी बात पे एक जादू की झप्पी हो जाए। आ जाओ। अरे गायत्री अन्ना गए। अरे गायत्री वो सुर छो, सुलक्षणा यही पे हो, मुझे तुम्हारा ही काम था। काम की बात बाद में करते अन्ना साहब, पहले मोदक चक्के बताइए कैसे बने हैं। चक्के क्या हुआ अन्ना, स्वाद अच्छा नहीं है? अच्छा, अरे 100 साल पुरानी गोखले बंधु की परंपरा का स्वाद है ये। ये सारा जादू सुलक्षणा का है अन्ना। कमाल करती हो तुम बेटा, सच में कमाल हो तुम और तुम्हारी वो सासू भाई। लपक जपक लपक जपक से याद आया, मैंने अभी तुम्हारी सासू भाई को फोन किया था तो एक आदमी ने उठाया और फिर फोन काट दिया। मर गए, कहीं गायत्री के पापा ने गलती से बात तो नहीं कर ली अन्ना से? मुझे शंका है कि कहीं कहीं क्या अन्ना साहब? कहीं चंद्रमुखी का फोन किसी ने चुरा तो नहीं लिया? हाँ हो सकता है अन्ना साहब, हो सकता है। भारती निर्मिति गायत्री बहरा। अरे अरे अब इनको क्या हो गया? सब बहरा ऊपर ऊपर चुड़ैल है। ओ, वो चंद्रमुखी सच में चुड़ैल है, हमने ऊपर देखा उसकी पूरी मुंडी घूमी हुई थी। हाँ ना, वो उसकी मुंडी ना, मुंडी वो हमारे सामने और बाकी बाकी सब पीछे था। बाकी मतलब क्या, पीछे क्या था? वो अच्छा अच्छा अच्छा, अरे क्या क्या ऐसा कभी होता है क्या? हो, सच बोल रही हूँ मैं, वो चंद्र अन्ना साहब। देखिए देखिए वो, ज्योत्सना ताई मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप मुझे चुड़ैल कह रही हैं? अन्ना साहब मेरे गांव की बस छूट गई तो मैंने सोचा कि अब गांव जाके क्या फायदा, वैसे भी मेरा दिल तो यहां था।
आप सबके पास, इसलिए मैं वापस आ गई। और मैंने सोचा कि वाड़े में झाड़ू लगा लेती हूँ। वही कर रही थी कि ज्योत्सना ताई ने आके। अच्छा हुआ चंद्रमुखी, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। हम लोगों को है ना मोदक का और भी बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मैं तुमको फोन करके विनती करने वाला था कि अगर तुम गाँव जाना कैंसल बिनसिल कर सको तो। अरे अन्ना साहब, आप और विनती? नहीं 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 नहीं, आप तो बस हुकुम कीजिए। वैसे मैंने फोन किया ना तो एक आदमी ने उठाया था फोन और काट दिया फोन, मेरा फोन काट दिया। अरे मैं आप। हेलो, अरे आप तो आदमी है, चंद्रमुखी है क्या? चंद्रमुखी? आपका फोन कट कर दिया उसने। अरे वो मेरे मामा का बेटा, वो आया था ना मुझे छोड़ने बस अड्डे पे, उसी ने उठाया होगा। अच्छा, तो अन्ना साहब हम काम पे लगे। एक मिनट चंद्रमुखी, मैंने तुम्हारी मुंडी उल्टी देखी है। हा? सच बताओ वो क्या था? जोत्सना, जोत्सना, चंद्रमुखी की मुंडी उल्टी नहीं है, तुम्हारा दिमाग उल्टा हो गया है। ये क्या इतनी नफरत करने लगी हो अभी उसे कि ऐसे चुड़ैल बुड़ैल कुछ भी बोलती हो? अहो, अमोल, अमोल ने भी देखा था। अभी बस, अभी एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। चलो चलो, बात बात बात। अभी गणपति स्थापना का मुहूर्त हो गया है तो सब लोग तैयार हो जाओ। चलो चलो। धन्यवाद अन्ना साहब। चलो सुन भाई, काम पे लगते हैं। लपाक छपाक मोदक बने चमक आए खाने वाले के दिल पे, लपाक छपाक मोदक बने। चलो चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ सब लोग। अभिषेक ने कहा था कि आरती की तैयारी हो जाए तो मुझे मिस कॉल मारकर बुला लेना। अभी अभी उसको उस... मैं कर देती हूँ मिस कॉल। लेकिन निर्मिति, अभिषेक ने फोन उठा लिया तो मिस कॉल नहीं होगा ना? मुझे मिस कॉल आया ही नहीं, ऐसा बोलकर वो बैंगलोर चला गया तो। शुभ शुभ बोलिए बहनी। बरबर, अभिषेक ने फोन उठा लिया और तूने कहा ये मिस कॉल है अभिषेक, तो गुस्सा होकर, ऐसा कोई मिस कॉल करता है क्या? ऐसा बोलकर नाराज होकर आरती के लिए नहीं आया तो। भारती, ये तेरा शुभ शुभ है? सासू भाई, अभिषेक के बैंगलोर जाने से तो ये शुभ है ना, वो आरती के लिए नहीं आया तो महेंद्र बाबू के घर से ऐसे कंधे पे उठा कर मैं लेके आ सकती हूँ, लेकिन बैंगलोर से लाना जरा मुश्किल हो जाएगा। निर्मिति, तुम इस कॉल कर। हाय। बुलावा आ गया। अभी मैं एक काम करता हूँ, पिछले रास्ते से मेरे घर के बालकनी से आपके घर के बालकनी में जाता हूँ, बेडरूम में कपड़े चेंज करके अभिषेक बन के घर वापस आता हूँ। अच्छा सुन, उर्मिला से संभालना, उसे किसी भी तरह की कोई भी शंका ना होने पाए। हाँ पापा, लेकिन आप भी इधर संभालो, इधर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। अभिषेक काका आ गए। अभिषेक, मुझे भी। अरे अरे बाबू, बस दादा बस। आ गया अभिषेक। आई अरे गायत्री, ये है तुम्हारा अभिषेक।
वाह 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 वाह, बिल्कुल मेरे राघोबा जैसा दिखता है ये। आई, ये कौन है? ये चंद्रमुखी ताई, गायत्री को रसोई में मदद करने के लिए रखा है इनको अन्ना ने। अरे अरे अरे, आयुष्मान भव। इन्हें बीजे रखना, आप किचन के पीछे वाले रास्ते से अपने घर जाइए, मम्मी आपकी राह देख रही है। और जाते वक्त दरवाजा और खिड़की बंद करना, मत भूलना, ओके? हाँ हाँ। आप लोग आरती कीजिए, मैं रसोई में जाती हूँ। अरे अरे चंद्रमुखी, तुम नहीं क्या रहोगी आरती में? हाँ, आप दोनों साथ में ही उतार लीजिए बाप्पा की आरती। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विवादी कैसी है तू? पूछ मत अभिषेक, प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने दी हुई बेड रेस्ट सजा बन गई अब मेरे लिए। अन्ना तो कमरे से बाहर ही निकलने नहीं देते। और जीजा जी कहाँ पे? अरे जैन के नए फिल्म के गाने की शूटिंग चल रही है तो वो नहीं आएंगे। अच्छा केशव, हाँ? उसकी नई पिक्चर का गाना सुना है क्या? कौन सा? पुम पुम्पा। पुम पुम्पा, झोपड़ी तू जगा मगा, मैं हूँ तेरी चार पाई, चार पाई पे कर ले तू थोड़ी सी हाथा पाई। पुम पुम्पा, पुम पुम्पा, पुम पुम्पा, पुम पुम्पा, पुम पुम्पा, मोड़ दे आज अंग अंग, आजा रानी मेरे संग, धक 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 धक, बजा ले आज तू मृदंग पुम्पा। पुम पुम्पा, पुम पुम्पा, झोपड़ी तू जगा मगा, मैं हूँ तेरी चार पाई पे कर ले तू थोड़ी सी हाथा पाई। पुम पुम्पा, 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 पुम पुम्पा। भाई बकवास बकवास गाने बनाता है वो, अच्छा हुआ नहीं आया वो। पुम पुम्पा, चला चला आरती करो आरती करो, चला आरती आरती करो। आओ आओ आओ, अब दे में घी बहुत कम है, मैं अभी रसोई से घी लेकर आई। क्या क्या? ये चंद्रमुखी ताई ने दरवाजे खिड़की क्यों बंद किए रसोई के? चंद्रमुखी ताई, ओ चंद्रमुखी ताई, मुझे रसोई से घी लेना है। चंद्रमुखी ताई दरवाजा खोलिए ना। चंद्रमुखी ताई, ओ चंद्रमुखी ताई, आ चलो चलो चलो। चंद्रमुखी, भारती भारती, ना क्यों चिल्ला रही है तू? देखिए ना सासु भाई, चंद्रमुखी ताई ने अंदर से दरवाजा बंद किया है, आवाज भी नहीं दे रही है। चंद्रमुखी ताई मर गए। पापा अंदर से दरवाजा खिड़की बंद करके वहां मम्मी के पास गए होंगे, अब क्या करेंगे? अन्ना जरूर कुछ गड़बड़ है, ये दरवाजा ही तोड़ देता हूं मैं। तोड़ दे दरवाजा। अरे बाप रे, अगर दरवाजा टूटा और अंदर चंद्रमुखी यानी पापा नहीं दिखे तो सारा भंडा अभी के अभी फूट जाएगा। नहीं नहीं केशव दादा, आप ये दरवाजा कैसे तोड़ सकते हो? इस दरवाजे से पूरे घर की यादें जुड़ी हुई है। जब मैं छोटा था तब आई दूध पिलाने के लिए मेरे पीछे भागती थी ना, तब मैं इसी दरवाजे के पीछे छुपता था। आप उन यादों को तोड़ कैसे सकते हो? मैं भी जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तो इसी दरवाजे के पीछे से मंदार के पापा को वाड़े में देखा करती थी और शर्माया करती थी। मेरी भी यादें जुड़ी हुई है। मैंने भी अपना पहला गाना इसी रसोई के दरवाजे के पीछे खड़े रह के लिखा था। अरे बाप रे केशव, तोड़ दे दरवाजा। बड़ा नहीं नहीं केशव दादा नहीं। आगा, 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 आगा।
क्या हो गया चंद्रमुखी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं अन्ना साहब, आज के दिन मेरा राघोबा भी गणपति की आरती करता था तो मुझे उसकी याद आ गई और उसकी याद में मैं ऐसे खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब आकर आप लोग चिल्लाने लगे। लेकिन तुम दरवाजा और खिड़की बंद करके क्यों रो रही थी? मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि बेटा अपने दुख दर्द और आंसू किसी को मत दिखाना, क्योंकि वो कमजोर इंसान की निशानी होती है। हंसना तो खुल के सबके सामने, लेकिन रोना अकेले में, अपने आप को बंद करके। बरोबर बोलते थे तुम्हारे बाबा। रोते वक्त सर पे रुमाल बांधना, ये भी बाबा ने ही बोला होगा, हो ना? है ये सब मस्करी करता तू? भारती अभी जाओ, वो घी भी जो भी लेना है जल्दी ले लो, पटकन। बरबर। चलो अभी सब लोग आरती के लिए चलो। चंद्रमुखी अभी तुम भी आ जाओ आरती में। हाँ मैं आई अन्ना से। आजा आजा आरती में। पप्पा कमाल कर दिया आपने, मुझे लगा था आज तो हम पकड़े ही जाएंगे। अरे पकड़े ही जाते, एन मोमेंट पे विगी नहीं मिल रही थी मुझे, पता नहीं कहाँ रखती, इसलिए तो ये पहन लिया मैंने। लोग कहते हैं ना, गणपति जाचा संगति प्याला कसली भीती।